नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक पोलार कंपनी का हीटर है, ये गीजर है। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इंडिकेटर जल रहा है लेकिन गर्म नहीं हो रहा है थोड़ा भी। तो कुछ चेक कर दिखाता हूँ इसमें क्या हो रहा है, उसके रिपेयर कैसे करेंगे, जो भी क्या है इसमें डालने वाले ही हम। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ सिर से। दोस्तों देखिए हमारा सिर चालू है। दोस्तों देखिए इसमें लाइट जल रहा है लेकिन ये गर्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इंडिकेटर ऑन है लेकिन गर्म नहीं हो रहा है। ये देखिए इसमें बॉडी भी आ रहा है, मतलब हमारा जो कॉइल है लगता है कॉइल शॉर्ट हो चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप लगाएंगे इस पर बॉडी आ रहा है तो पक्का है कि आपका कॉइल शॉर्ट हो चुका है। अब इसको खोल देखते हैं इसमें क्या हुआ है। दोस्तों इसको खोल लिया अपने को, इधर एक स्क्रू है इसको खोल ले पहले। और सारे स्क्रू संभाल के रखें। ये साइड के दो स्क्रू खोल लें। निकल गया है, अभी आपको इंडिकेटर के बाहर निकाल देना है। खाली है अपने पास, निकल गया है। अब दोस्तों देखिए खोल दिया, अभी खोल चेक कर दे कॉइल को पहले। ऐसे कॉइल शॉर्ट दिख रहा है फिर आपको चेक करना जरूरी है, आप चेक कर लें। हाँ दोस्तों देखिए इंडिकेटर चल रहा है हमारा लेकिन सिर्फ नहीं चल रहा है। ये देखिए अभी सिर्फ जाना हो आपको दिख रहा है उजाला, और अभी लगाया तो कुछ नहीं हो रहा, खाली हमारा इंडिकेटर चल रहा है। तो इससे मतलब हमारा कॉइल खराब हो चुका है। जैसा अभी हमारा एक खोल लेंगे और इसको जो हटाना पड़ेगा, इसको हम बाहर निकाल लें। डाल दे इसके अंदर ही फिर से। फिर दोस्तों अपने हीटर का जो कॉइल लगा है गीजर का कॉइल, ये कॉइल खोलना पड़ेगा। वायर वायर खोले बराबर ध्यान रखिए कौन सा वायर कहाँ लगा हुआ है, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ये नट खोल ले। दोस्तों ये अर्थिंग भी लगा यहाँ पे, तो अर्थिंग आपको लगाना बहुत जरूरी, लगाई जरूर भूलना मत। दोस्तों अपने को ये निकाल लेना है ऐसे थर्मोस्टेट हमारा दोनों, निकाल साइड में रख दे। अभी आपको ये तीन नट खोल देना है। इनट खोल लें, दीवार कॉइल डाल रहा हूँ। इनट खोल ले तीनों। हाँ दोस्तों देखिए इनट हमने खोल लिया है, अभी इसको आराम से ऊपर ले लें। फिर इसका बाहर निकाल लें इस तरह से, निकल गया है। जैसे इस टैंक को साइड साफ करते हैं, डा साफ करना। जैसे कि इसको खोलने का है, नहीं बड़ा है तो पक्का खोल जाऊंगा। आठ इसे बड़ा दीवाना है नहीं मेरे पास। ये निकाल दे। अभी आपको देखिए नया कॉइल है, सेम टू सेम वैसे लगा देने का है, उसके लिए खोल ले अपना।
और ये रबर अंदर ही रहेगा। इसको इस तरह डाल के और अपना ये ऊपर का लगा देने का, इसको फुल टाइट कर देने का। हाँ दोस्तों टाइट हो गया और ये हमारा पैक भी हो गया। फिर इसको इस तरह से उसमें डाल दें, इसको फुल टाइट कर दें। उसके बाद में आपको ये डाल देना थर्मोचर दोनों। हाँ दोस्तों देखिए दोनों डाल दिया हमने, अब इसके बाद में आपको कनेक्शन करना है। सबसे पहले क्या करें, यहाँ लगा दें आर्थिंग, एक मिनट उसको फिर से निकाल लेता हूँ मैं। दोस्तों देखिए हमने ये अर्थिंग लगा दिया है और सभी टाइट कर दिया है। अभी आपको लास्ट में करना है कनेक्शन, तो इसमें केवल दो वायर देखिए, एक बार यहाँ लगाना है और एक बार इस पर लगाना है। अभी दोस्तों पहले इसमें जो वो था क्लिप वाला, अब इसको क्या करना अपने को, इसको छिल के बनाना पड़ेगा गोल्ड टर्मिनल, फिर फिटिंग होगा ये। अब मैं इसको टर्मिनल बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये नट ढीला कर लें, नट बाहर निकाल के देखते हैं लगाया हमने, इसको लगा देना उसके अंदर। और दोस्तों देखिए हमने वायर लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं एक में इंडिकेटर का एक ही वायर है, एक में दो वायर है। दोस्तों उसकी वजह क्या रहता है पता है, जिसमें दो वायर है हमारा एक डायरेक्ट लाइन को इंडिकेट करता है कि हमारा लाइन आ चुका है इसके अंदर, और जिसमें एक वायर है वो इंडिकेट करता है कि हमारा थर्मोस्टेट ऑन हो चुका, मतलब कॉइल ऑन है गर्म हो रहा है, जब कट ऑफ होता है तो कट ऑफ हो गया ऐसा ऑन इंडिकेट करता है वो। इसमें डबल इंडिकेटर दिया गया इसके लिए। अब दोस्तों चेक करते हैं हमारा किस पोजीशन में है। और हाँ दोस्तों ये तो लगाना भूल ही गए। हाँ दोस्तों अब ये लगाना अपने को प्लास्टिक वाला, इसमें आपको पोजीशन रहता है, इस टॉर्च को ध्यान रखें। ऐसे पोजीशन ये रहता है कि जो देख पा रहे ये प्लेन वाला है इस पाइप की साइड रखना है, और जो ऐसा वाला है उसके ऊपर रखना है। दोस्तों उसके लिए नट भी खोल के फिर लगाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों देखिए हमारा ये प्लास्टिक वाला भूल गया लगाना, तो फिर से लगाया मैं, और अभी इसको फिर जैसा फिटिंग किया था वैसे इसको फिटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए हमने वायर्स लगा दिए हैं, और अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। हाँ दोस्तों आप देखिए हमारा सीरीज बल्ब जल गया है, यानी कि हमारा ओके है। एक बार लगाता हूँ मेन में, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेन में खेल तो थोड़ा समय लगा हूँ। दोस्तों देखिए हमारा ऑन हो गया ये, और हमारा गर्म हो चुका है। अभी दोस्तों हाथ लगाना नहीं है, हाथ जल जाए आपका, गर्म हो चुका है ये। अभी आपको इसको लगा के इसको पैक कर देना है, रस्सी से बांध देना है, इस वायर को अंदर खींच लें, इसको आराम से इसको बराबर बिठाएं, नहीं तो फिर बैठेगा ऊपर वाला कवर, अगर नहीं बैठेगा सही तो। हाँ दोस्तों बैठ गया ये, अभी आपको आराम से इसको हिस्सा ले लेना है, और ये सब लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो प्लास्टिक है ये पिघल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इससे आपको इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इसको लगाएंगे आप तभी ध्यान देना है कि आपके हाथ को चमड़ी के ज़्यादा छुए नहीं, नहीं तो खुजली होगा।
इसको इस तरह से बांध लें, और हल्का ही बांधना, ज़्यादा बांधना नहीं, टूट भी जाएगा क्योंकि बहुत नाजुक रहता है ये। देखिए उड़ रहा है बारीक बारीक पाउडर ऐसा। दोस्तों आपको इंडिकेटर जो आ रही है तो डालना पड़े अपने को, पहले इस बार को अंदर खींच ले। हाँ दोस्तों ये निकल गया है, तो आपको फिर से सही लगा देना है इसको। दोस्तों ये इंडिकेटर इसके अंदर घुसा देना है ताकि जले तो दिखाई दे, और फिर इसको पैक करना है। अब दोस्तों देखिए अभी लगा देखते हैं हम लोग इसमें गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा इंडिकेटर बराबर ऑन हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है कि नहीं। हाँ दोस्तों देखिए अभी लाइट हमारा जल गया, दोनों भी हीटिंग इंडिकेटर भी और कट ऑफ इंडिकेटर भी। दोस्तों बिना पानी चला नहीं, अब देखो नहीं तो कॉल ख़राब हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान देने का है। दोस्तों देखिए गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है, हमारा टैंक में हल्का पानी है तो उसके लिए गर्म हो रहा है ये। दोस्तों देखिए कट ऑफ हो चुका है ये, अब इसको फिटिंग करके दे देगा आपको। और दोस्तों देखिए हमने ये पूरा फिटिंग कर दिया है, और इस तरह से आप डाल सकते कॉइल, कभी कॉइल खराब हो जाता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों को समझ में आए तो कमेंट करें। और दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और हर काम सीखने जाते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, क्योंकि हमने बहुत सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो सबका प्लेलिस्ट ओपन करें, देखें और काम सीखें। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।